गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसकी एमसीक्यू सीरीज करेंगे। ये ना ही सिर्फ एमसीक्यू सीरीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट से जुड़ सकते हैं। उस पर हम सिर्फ काम की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन ही शेयर करती हूँ मैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस रिविजन कम एमसीक्यू सीरीज को। क्वेश्चन 1, व्हाट इज ग्लोब? सो जैसे कि चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए कि ग्लोब क्या है। अर्थ है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में, ये ग्लोब है। तो ये अर्थ का ट्रू मॉडल है, यानी कि अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब फॉर्मेट में। तो ये ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है, अर्थ नहीं है, मॉडल है अर्थ का। ये अर्थ बहुत बड़ी है, पर समझने के लिए आपको कुछ तो चाहिए ना, तो आप ग्लोब से समझ सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन ऑन द ग्लोब इन देयर ट्रू साइज? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कौन सी चीज़ें शो की जाती हैं ग्लोब में इन देयर ट्रू साइज, उनके एक्चुअल साइज में शो की जाती हैं। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस या ऑल ऑफ दीज? एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए था कि ग्लोब पे कौन सी चीज़ें शो की जाती हैं, क्योंकि ट्रू साइज में तो कभी भी नहीं हो सकती कि अर्थ बहुत बड़ी है। तो कुछ रेशियो में किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जगह 10 सेंटीमीटर की है, एग्जाम्पल के तौर से मैं कह रही हूँ, या फिर 10 किलोमीटर की है, तो ग्लोब में आपको वो 1 सेंटीमीटर की दिखेगी, या फिर बहुत छोटी सी डॉट के तौर से दिखेगी। तो ग्लोब एक रेशो में रिप्रेजेंट करता है। तो ग्लोब पे आपको कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस ये देखने को मिलते हैं। तो आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा, बट ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ निडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर? अगर आप कभी भी ग्लोब को देखोगे तो वो हल्का सा टेढ़ा होगा, कभी सीधा नहीं है, और उनके नीचे ऊपर एक निडल सी होती है जिससे वो फिक्स होता है। आप इसको घुमा भी सकते हो। तो इन निडल्स जिससे ये फिक्स्ड है उसे क्या कहोगे आप? ऑर्बिट, एक्सिस, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? तो ये निडल्स जिस पे ये फिक्स्ड है और हल्का सा टिल्टेड, यानी कि हल्का सा टेढ़ा होता है, उसे आप कहोगे एक्सिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिवाइड्स द अर्थ? ये आपकी अर्थ है। व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सर्दर्न हेमिस्फेयर? तो अगर ये हमारी अर्थ है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया और ये सर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो क्या डिवाइड करता है अर्थ को? टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि यहाँ और यहाँ बराबर हो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर या आर्कटिक सर्कल? तो हमारी जो ये अर्थ है इसको दो इक्वल पार्ट्स, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सर्दर्न हेमिस्फेयर में इक्वली डिवाइड करता है। उसका आंसर है इक्वेटर। क्वेश्चन 5, नेम वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए। अगर ये आपकी अर्थ है तो ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। मेरे डायग्राम पे मत जाना, बट कॉन्सेप्ट ये है कि ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है, वो कौन सी डिग्री पे है? 0 डिग्री, 23 डिग्री 30 साउथ, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, 66 डिग्री 30 नॉर्थ? ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, तो
तो याद करा देते हैं आपको, ये देखिए, ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड में सबसे पहले ऊपर अगर आप यहाँ देखो तो ये आर्कटिक सर्कल है, ये 66 डिग्री, 30, लगभग 30 है नॉर्थ। फिर यहाँ पे नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अर्थ को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वली डिवाइड करता है वो है आपका इक्वेटर। ये है 0 डिग्री पे बिल्कुल। तो इक्वेटर में तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ऊपर है उसमें नॉर्थ आ जाएगा, जो नीचे उसमें साउथ आ जाएगा। उसके नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ पे एंटार्क्टिका है, ये आपको आगे के चैप्टर में मैं डिस्कस करूँगी। तो ये एंटार्क्टिक सर्कल हो गया और यहाँ पे ये आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये डिग्रीज आपको याद रखनी पड़ेंगी कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक जो है ये 66 डिग्री 30 पे है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23 डिग्री लगभग 30 पे हैं। नॉर्थ और साउथ डिपेंड करता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो वो नॉर्थ हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न है तो वो साउथ हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री बतानी है। तो अभी हमने देख लिया कि इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसका आंसर होगा 23 डिग्री 30 नॉर्थ। ये एक बार आप डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, बीच में इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे कैप्रिकॉर्न, और उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल और नीचे एंटार्कटिक सर्कल। हल्का सा डिग्री याद करनी है, 23 और 66, तो आपको याद हो जाएगा। वैसे मैं आज भी बहुत बार रिपीट करूँगी, और सेकंड चैप्टर जो मैंने सीरीज़ बनाऊँगी उसमें भी, तो आपको बहुत अच्छे से याद यहीं पे ही हो जाएगा, मेरी कोशिश पूरी है। क्वेश्चन 6, बिटवीन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज़ द टॉरिड जोन सिचुएटेड। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया टॉरिड जोन का। ये देखिए, ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे, 23 1/2 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाला डायग्राम मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF ज़रूर शेयर कर दूंगी आज ही, ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो जाए, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये दोनों इमेजेस मैं वहाँ पे डाल दूंगी। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये नॉर्थ पोल आ गया ऊपर, यहाँ नॉर्थ चल रहा है, और यहाँ पे साउथ, कैप्रिकॉर्न के बाद यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल आ गया। 23 1/2 डिग्री साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे 66 1/2 साउथ, यहाँ 66 1/2 नॉर्थ। अब टॉरिड जोन, क्वेश्चन में वो टॉरिड जोन की बात कर रहा है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के इस वाले हिस्से में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का ये वाला हिस्सा है ना, ये आपका टॉरिड जोन है, ये देखो। ठीक है, इसके ऊपर वाला और नीचे यानी कि ये वाला हिस्सा, मैं दूसरे कलर से कर लेती हूँ ताकि आपको जल्दी इजी समझ आए। ये वाला हिस्सा जो है ये टेम्परेट जोन है, और इसके ऊपर जो ठंडा बिल्कुल नॉर्थ पोल, यहाँ ये और ये आपके फ्रिजिड जोन है। तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट याद किए। सबसे पहला, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि यहीं पे रिवाइज हो जाए, सिर्फ समझना नहीं है रिवाइज भी हो जाए। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनकी डिग्री है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और 23 1/2 डिग्री साउथ। उसके ऊपर है आर्कटिक सर्कल जो है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, और नीचे है एंटार्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री साउथ। हमें डिग्रीज याद हो गई, अब आगे बढ़ते हैं जोन्स की तरफ। तो जोन में आपको 3 जोन्स याद रखने हैं। पहला कौन सा जोन है? टॉरिड जोन। मेरे साथ साथ बोलो, टॉरिड जोन। दूसरा है टेम्परेट जोन, और तीसरा है फ्रिजिड जोन। कौन से जोन है? टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन। अब जो यहाँ इक्वेटर के ऊपर और नीचे इस वाली जगह पे आपका टॉरिड जोन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो ये वाली जगह है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे ये, यहाँ है टेम्परेट जोन, और ये आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल जहाँ बिल्कुल बर्फ होती है तो फ्रीज होते हैं हम, तो वो फ्रीज से आप याद रख सकते हो फ्रिजिड जोन। ठीक है, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड। क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जहाँ पे ट्रॉपिक जोन आता है, टॉरिड जोन। तो आप मुझे बताओ टॉरिड जोन कहाँ आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, या नन ऑफ दीज। तो कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल वहाँ पे जो टेम्परेट जोन पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, नहीं, आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर है सपोज ये, तो इक्वेटर के ऊपर और नीचे, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला एरिया आपका टॉरिड जोन है। तो आपका आंसर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66-30 डिग्री साउथ एंड पोल्स? ओके, अब हमने इतनी डिस्कशन जो अपनी की थी उसमें हमने ये समझा था अब इसमें वो 66.5 डिग्री और साउथ और पोल्स के बीच में पूछ रहा है। वैसे वो नॉर्थ भी पूछता तब भी आपका आंसर सेम ही रहना था, बट यहाँ पे एक बार देखो, ये 66.5 डिग्री साउथ है और ये साउथ पोल है, इसके बीच के एरिया को क्या कहेंगे? आंसर बहुत क्लियर है। ऑप्शंस हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। टॉरिड जोन अभी हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, तो ये भी नहीं हो सकता। टेम्परेट जोन भी नहीं है। आपका आंसर है फ्रिजिड जोन। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन? ओके, अब लैटिट्यूड्स हमने कर लिए। लैटिट्यूड में यहाँ था इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री पे था। अब प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग है वो सीधी खड़ी हुई, ये है लॉन्गिट्यूड। इसमें प्राइम मेरिडियन कितनी डिग्री पे होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री ईस्ट, या 0 डिग्री लैटिट्यूड? तो प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। और आपको पता है इक्वेटर क्या है? इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अभी मैंने शायद लैटिट्यूड बोल दिया था। प्राइम मेरिडियन हमेशा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा और इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा। क्वेश्चन 8, व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर? ये हमारी अर्थ है। हमने देखा नॉर्थ और साउथ में तो इक्वेटर डिवाइड करता है, पर ईस्ट और वेस्ट में कौन डिवाइड करता है? तो वो डिवाइड करता है आपका इक्वेटर, नहीं प्राइम मेरिडियन, 23.5 डिग्री ईस्ट, नन ऑफ दीस। इसका आंसर है लॉन्गिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को ये डिवाइड करता है। इन विच ओशन आर टोंगा आइलैंड सिचुएटेड? इंडियन ओशन, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, नन ऑफ दीज। पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक, ये आपके 5 ओशन्स हैं। इसमें से टोंगा आइलैंड्स किस में है? इंडियन ओशन में, एटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, या नन ऑफ दीज? तो बताइए टोंगा आइलैंड्स किस में सिचुएटेड है? ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड, इसमें समझा मैं कुछ नहीं सकती जैसे पीछे मैं समझा रही थी। इसका आंसर बहुत सिंपल है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11 की तरफ। ऑन विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज मॉरिशियस लोकेटेड? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये पैरेलल्स हैं और लैटिट्यूड है, इसमें आपको डिग्री बतानी है जिसपे मॉरिशियस लोकेटेड है। इसमें तो याद ही करना है 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, या 0 डिग्री। तो इसका आंसर है 20 डिग्री साउथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लेस इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट? 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट पे कौन सी एरिया सिचुएटेड है? ये याद करने वाला है धुबरी। क्वेश्चन 13, व्हाट टाइम डज अर्थ टेक रोटेटिंग फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड? अब आपकी अर्थ रोटेट कर रही है तो ये एक लॉन्गिट्यूड है,
इससे दूसरे लॉन्गिट्यूड तक रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, वो हमसे टाइम पूछ रहा है। 4 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स या नन ऑफ दीज? ये याद बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दो रीज़न से। पहला, चलो पहले आप आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगी। इसका आंसर है 4 मिनट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, मोस्टली अगर न्यूमेरिकल भी आए तो इसी 4 मिनट से आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में 4 मिनट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी डिग्री को टाइम निकालने के लिए। इसलिए 4 मिनट्स अच्छे से याद कर लो। वट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड टाइम ऑफ डिब्रूगढ़ इन असम? अब आपको पता है असम हमारा ईस्टर्न एंड में है, और वेस्ट में एंड में अगर हम इंडिया की बात करें तो गुजरात पड़ता है। तो वो पूछ रहा है कि इनके टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, 4-4 मिनट्स का फ़र्क पड़ रहा है, तो कितना फ़र्क है? 2 आवर्स, 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, बताइए। तो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न जो एंड है ना, उसमें डिफरेंस है 1 आवर 45 मिनट्स का, ठीक है? तो अगर मैं गुजरात से असम जाऊँ, असम यहाँ आऊँ, असम से गुजरात आऊँ या गुजरात से असम जाऊँ, तो 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, इसलिए गुजरात में जो टाइम घड़ी में बज रहा है वही असम में भी बजेगा, बट टेक्निकली इतना डिफरेंस है, ठीक है? द लोकल टाइम एट 30 डिग्री होना चाहिए, 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड थ्रू आउट इंडिया। इट इज़ नोन एज लोकल टाइम ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो मैं यही आपसे डिस्कस कर रही थी कि ये हमारी इंडिया में, यहाँ पे वेस्ट में गुजरात है और यहाँ ईस्ट में असम है, तो अगर टाइम में 1 आवर 45 मिनट्स का फ़र्क है, बट हम ऐसा मानते नहीं, एक ही घड़ी चलती है पूरे इंडिया में, जितना टाइम यहाँ हो रहा है वहीं यहाँ भी हो रहा है, तो उसे क्या कहोगे? वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हमने स्टैंडर्ड कर दिया पूरे इंडिया का टाइम। द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड ऑफ दैट ऑफ इंग्लैंड बाय, तो अगर आप देखो कि यहाँ इंडिया है और यहाँ इंग्लैंड है, अर्थ पे अगर आप पूरे में देखो तो इंडिया ईस्ट साइड पे पड़ती है और इंग्लैंड वेस्ट में पड़ता है। तो ईस्ट पहले आता है, सनराइज यहाँ पहले होगा ईस्ट में, ईस्ट से होता है, इसीलिए इंडिया का टाइम अहेड है और ये बिहाइंड होगा इंडिया के। तो वो पूछ रहा है कितने टाइम से पीछे है, 2 आवर्स, 5 आवर्स, 30 मिनट्स, 3 आवर्स या नन ऑफ दीज? तो इंग्लैंड और इंग्लैंड इंडिया से पीछे है 5 आवर्स 30 मिनट्स। क्वेश्चन 17, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज, ये हमारी अर्थ है जो कि मैंने बहुत ही खतरनाक बना दी, मिनट, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब यहाँ पे और यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं, यानी कि वो इस एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आर्कटिक सर्कल है, एंटार्कटिक सर्कल है, लॉन्गिट्यूड है या नन ऑफ दीज, क्या कहते हैं इसको? तो उसका आंसर है आर्कटिक सर्कल। मैंने आपको जब पीछे एक्सप्लेन किया तब भी बोला था कि एंटार्कटिका यहाँ है, इसलिए आप इसको एंटार्कटिक सर्कल उससे याद रखो। मूवमेंट ऑफ अ हेवनली बॉडी ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड, जैसे कि अभी हमने देखा था ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है, उसे क्या कहेंगे? रोटेशन, लॉन्गिट्यूड, एक्सिस मूवमेंट या रेवोल्यूशन? तो रेवोल्यूशन वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, सन के आसपास हमारी अर्थ घूम रही है, इसे आप कहोगे रेवोल्यूशन। ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये अर्थ है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड, ठीक है?
ये भी नहीं होगा, एक्सिस मूवमेंट भी नहीं है, इसका आंसर है रोटेशन। ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे मूव करने को कहते हैं रोटेशन। अगर सन के आसपास मूव करने की बात हो तो वो रेवोल्यूशन है, और ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड। ठीक है, अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो वीडियो दोबारा से देखना, ज़्यादा बैठ जाएंगी चीज़ें दिमाग में। नंबर ऑफ़ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अर्थ है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्कटिक सर्कल, ऐसे बीच में बहुत से अलग अलग पैरेलल्स हैं। तो टोटल कितने पैरेलल्स हैं बताइए? तो ये है 180 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो भी मैंने आपको डिस्कस किए, ये टोटल 180 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। लैटिट्यूड्स हमने देख लिए, अब मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं, वो कितने हैं। तो ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है अगर, तो टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस कितने हैं? इधर और इधर भी बहुत सारे होते हैं, तो बताइए। तो इसका आंसर है 360। इसको याद करने का एक ईजी तरीका है कि यहाँ अगर 0 है तो इसके वेस्ट में 180 और इसके ईस्ट में 180, तो ये टोटल हो गए 360। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जिन्होंने आपकी, मुझे लगता है, बहुत अच्छी रिवीजन भी करा दी होगी। इन 20 में से आपके कितने ठीक हुए मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर गलत हुए हैं या कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखो, अच्छे से समझ आएगा। और मैं सेकंड पार्ट में दोबारा से और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगी और ईजी तरीके से और ज़्यादा कोशिश करूँगी समझाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सक्सेस माइंडसेट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कुछ अच्छा और इन्फॉर्मेटिव सीखने को हमेशा मिलेगा। वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। आज की डिस्कशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। What divides the earth into eastern and western hemisphere? तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार पिछला थोड़ा सा बेसिक से शुरू कर देती हूँ कि ये हमारी अर्थ है, ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो कि चैप्टर का नाम है द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो मैंने बार बार डिस्कस किया था और ये आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। तो ऑब्वियसली नॉर्थ और साउथ में लैटिट्यूड डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ और साउथ में लैटिट्यूड डिवाइड करता है, हाँ मैंने ठीक बोला था, और ईस्ट और वेस्ट में लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है, तो वो क्या डिवाइड कर रहा है? नॉर्थ पोल, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर या साउथ पोल, क्या डिवाइड करता है? तो ये आंसर है, इक्वेटर तो लैटिट्यूड को डिवाइड करता है, आपका आंसर है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 कह रहा है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ यूनिवर्स, अर्थ, सोलर सिस्टम, वन ऑफ दीज। तो एक ग्लोब ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, ये बहुत इजी ही क्वेश्चन था। ग्लोब डजंट शो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ट्रीज, ओशंस। तो ग्लोब पे आपको कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं, कॉन्टिनेंट्स भी देखने को मिलते हैं, ओशंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्रीज देखने को नहीं मिलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन रशिया। तो अर्थ पे अलग अलग टाइम जोन्स हैं जिनमें हमने पिछली बार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात की थी कि कैसे गुजरात और असम में टाइम का डिफरेंस है पर फिर भी हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, लेकिन रशिया में अलग अलग टाइम जोन्स हैं एक कंट्री होते हुए भी। तो कितने टाइम जोन्स हैं? 5, 2, 1, 11। तो रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। इक्वेटर लाइज एट द डैश डिग्री लैटिट्यूड। ये हमारी अर्थ है जिसमें मैंने अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चन में प्राइम मेरिडियन बताया था कि ये 0 डिग्री पे है, तो ठीक उसी तरीके से इक्वेटर भी 0 डिग्री पे है और ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है और ये ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है।
इसका आंसर है लाइज एट द डिग्री 0 डिग्री लैटिट्यूड, और प्राइम मेरिडियन होता तो वो लॉन्गिट्यूड हो जाता। अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करते तो द नॉर्दर्न मोस्ट एंड ऑफ द एक्सिस इज द, बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट एक्सिस की बात कर रहा है वो। ये अर्थ है, ये नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट एक्सिस की बात कर रहा है। वो क्या है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? तो साउथ पोल तो वो सदर्न मोस्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? अगर ये आपका इक्वेटर है तो इसके 23 डिग्री 30 नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और 23 डिग्री 30 साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। पर नॉर्दर्न मोस्ट एंड पूछा है, ये होगा आपका नॉर्थ पोल, और अगर सदर्न मोस्ट पूछता तो साउथ पोल हो जाता आपका आंसर। इसका आंसर होगा नॉर्थ पोल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, आर्कटिक सर्कल इज इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या ईस्टर्न हेमिस्फेयर? तो अगर आपको ये पता है कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, और आपको अर्थ में आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक पता है, तो आपको ये आंसर सॉल्व करने में बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बताइए आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है? तो आर्कटिक सर्कल यहाँ है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। और अगर आर्कटिक की जगह एंटार्कटिक पूछ लिया होता तो आपका जवाब सदर्न हेमिस्फेयर हो जाता, क्योंकि तो वो यहाँ लाई करता है। ठीक है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है? स्फेयर विद अ बल्ज एट द पोल्स, पोल्स पे हल्का सा बल्ज एंड फ्लैट एट द सेंटर। अ स्फेयर विद फ्लैटन्स एट द पोल एंड बल्ज एट द सेंटर। इसमें वो कह रहा था हल्का सा बल्ज है और फ्लैट है सेंटर से, ये उल्टा कह रहा है। अ स्फेयर विद द बल्ज एट द पोल्स एंड एट द सेंटर, अ परफेक्ट स्फेयर। बताइए अर्थ की शेप कैसी है? तो अर्थ की शेप हल्की सी फ्लैट है पोल्स पे और बल्ज यानी कि हल्का सा एक सर्कल सा है सेंटर की तरफ। तो ये बात बी बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है कि विच इज फ्लैटन एट द पोल्स एंड अ बल्ज एट द सेंटर, बी। क्वेश्चन 9, व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स? थिक एंड थिन लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ, एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ, अ रियल लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ, अ लॉन्ग एंड द शॉर्ट लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ। तो बताइए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो मैं चैप्टर के शुरू से ही बता रही हूँ कि ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, पर ये हैं क्या लाइंस? ये तो बिल्कुल सही बात है कि इट डिवाइड्स द अर्थ, लेकिन ये थिक और थिन लाइंस है ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। ये रियल लाइन नहीं है, ये खुद एस्टिमेट करके ज्योग्राफी में बनाई गई है ज्योग्राफर्स ने और जिस रिसर्च करके कि ठीक है ये 0 डिग्री है अर्थ को डिवाइड कर रही है तो इसको हम लॉन्गिट्यूड कह देते हैं, और ये 0 डिग्री है अर्थ को डिवाइड कर रही है तो हम इसको इक्वेटर कह देते हैं। बट ये इमेजिनरी लाइन है, हकीकत में आपको ये लाइन कहीं अर्थ पे दिखेगी नहीं कि आप इक्वेटर पे चले जाओ तो वहाँ एक लाइन बनी है रेड कलर की या किसी स्पेसिफिक कलर की कि यहाँ इक्वेटर है या यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है। नहीं, लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन का भी कोई मतलब नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है और जो अर्थ को डिवाइड कर रही है, चाहे वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात हो या वो नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फेयर की बात हो, पर ये इमेजिनरी है, ये बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में। क्वेश्चन 10 कह रहा है, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनवुड, ग्रीन फील्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीनविच। तो
प्राइम मेरिडियन किससे पास होता है? तो ग्रीनविच लंदन, वहां से प्राइम मेरिडियन पास होता है। ये याद करने वाला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट आर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? अभी हम लॉन्गिट्यूड की ही बात कर रहे थे, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो वो यही पूछ रहा है कि ये क्या है। अ लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अ लाइन्स रनिंग फ्रॉम साउथ पोल टू ईस्ट पोल, लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू वेस्ट पोल, या ईस्ट पोल से साउथ पोल। ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये थोड़ा समझ के बेस पे है। ये अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। लाइन्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट पोल टू साउथ पोल, ये ईस्ट है, यहाँ से लाइन साउथ पे आ रही है। नहीं, ये तो गलत हो गया। लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू वेस्ट पोल, नहीं ऐसी लाइन्स तो नहीं है। लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू ईस्ट पोल, नहीं। लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यस यही आंसर है। नॉर्थ से साउथ पोल्स पे लाइन्स आती हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका ए, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। IST स्टैंड्स फॉर, बताइए। इंटरनल स्पेसिफिक टाइम, इंटरनल स्टैंडर्ड टेम्परेट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इंडियन स्पेसिफिक टाइम। ये बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये है क्या चीज। वैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस वीडियो में ये बात। तो IST स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे असम है और यहाँ पे गुजरात है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये मैं आपको इंडिया की बात बता रही हूँ। अगर आप असम से गुजरात आओ तो वैसे आपको 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है इन दोनों जगहों में, एज जो एंड की मैं बात करूँ बिल्कुल। पर इससे बहुत सी कंफ्यूजन्स हो जाती, तो हमने एक टाइम ले लिया बीच में, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अब अगर गुजरात में फॉर एग्जांपल सुबह के 7 o'clock हो रहे हैं, तो असम में भी उनकी क्लॉक 7 AM ही शो करेगी। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर ऑफ इक्वल लेंथ। कैप्रिकॉर्न इज शॉर्टर दैन द कैंसर, कैप्रिकॉर्न इज बिगर दैन द कैंसर, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये इक्वेटर है, यहाँ पे है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है 23.5 degree नॉर्थ और ये है 23.5 degree साउथ, ये 0 degree है इक्वेटर। तो बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ये कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छोटी है और वो बड़ी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ यहाँ से जब सर्कल बन रहा है वो इक्वल है यहाँ और यहाँ, तभी हम कहते हैं कि इक्वेटर अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, इसलिए इसका आंसर है इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ बिल्कुल इक्वल है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इक्वेटर ये क्या है? इमेजिनरी रेक्टेंगुलर लाइन, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, या इमेजिनरी ट्रायंगुलर लाइन, बताइए। इमेजिनरी कौन सी लाइन है इक्वेटर? कह रहा है कि डिब्रूगढ़ इज लोकेटेड इन असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो हमने अर्थ में देखा था कि यहाँ पे द्वारिका है, द्वारका में गुजरात की बात कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में भी एक द्वारका है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, और यहाँ पे असम है। तब मैंने आपको ये डिब्रूगढ़ की जगह का नाम डिस्क्राइब किया था, इसका आंसर है असम। शायद मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन 16 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस अक्रॉस द ग्लोब इज। तो ये अर्थ है और ये लॉन्गिट्यूड्स यानी कि मेरिडियंस हैं, तो कितने हैं टोटल नंबर में? 180, 360, 90, 181।
ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, इसके इधर है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इसके इधर है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, यहाँ 180 और यहाँ 180, तो टोटल 360 इन नंबर। क्वेश्चन 17 कह रहा है व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये आई गेस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि डिवाइड करती हैं अर्थ को, ठीक है। क्वेश्चन 18 कह रहा है फ्रिजिड लो जोन लाइज इन, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ जोन में है, यहाँ पे साउथ पोल, ये है 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ आता है एंटार्कटिक सर्कल और यहाँ आता है आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ 66.5 डिग्री साउथ, यहां आता है टॉरिड जोन, यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे यहां पे आता है टेम्परेट जोन, और इनके ऊपर ये आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल, यहां ये फ्रिजिड जोन है, तो 3 जोन्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड को आप फ्रीज से याद रख सकते हो कि यहाँ बहुत ठंड है, तो ये पोल्स के एरिया में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका आंसर द पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका आंसर है द पोल्स। ये देखिए ये जोन्स हैं, 3 जोन है बेसिकली, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के ये वाले एरिया में जो है ये टॉरिड जोन है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में ये वाला एरिया आप देखो, ये कौन सा एरिया पड़ रहा है, ये कौन सा एरिया पड़ रहा है, ये पड़ रहा है टेम्परेट जोन, और लाइकवाइज कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक के बीच में यहाँ पे टेम्परेट जोन। फिर ये देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके यहाँ पोल्स वाले इस एरिया में आर्कटिक के नीचे और एंटार्क्टिक के ऊपर ये फ्रिजिड जोन आ जाता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एंटार्क्टिक के नीचे और आर्कटिक के ऊपर, तो भी आपका आंसर फ्रिजिड जोन ही होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है डैश लाइंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, लाइंस रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, क्या कहते हैं इसको, डैश लाइंस रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ टू एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, प्राइमरी प्राइमरी लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड या लैटिट्यूड, तो जो लाइंस ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, और अगर ये कहता है लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो वो आपका फिर आंसर लॉन्गिट्यूड हो जाता, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। क्वेश्चन 20 कह रहा है डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन द सन इज अबव पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो इक्वल डेज एंड नाइट्स तब है जब वो इक्वेटर के ऊपर है सन, इसको इक्विनॉक्स भी कहते हैं, बट अभी आप यही याद रखोगे इक्वेटर के ऊपर जब सन है, अर्थ रोटेट्स अलोंग डैश डायरेक्शन, अर्थ रोटेट करती है हमें ये पता है, लेकिन अर्थ कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ या साउथ टू नॉर्थ, बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन
और बहुत गलत भी होता है कितनी बार। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट में ही मूव करती होगी क्योंकि सन ईस्ट से राइज करता है, पता नहीं ये कौन सा लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे अर्थ मूव नहीं करती, ना साउथ से नॉर्थ, नहीं, आंसर है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 22, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 ईस्ट, IST कहते हैं जिसको, क्या ये डिग्री सही है, ट्रू या फॉल्स? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ये बिल्कुल सही बात है, 82 डिग्री 30 नॉर्थ जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। हमने देखा था गुजरात और असम में टाइम अलग था, बट हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया, वो कौन सी डिग्री से है, 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये बिल्कुल सही है। तो आज मैंने आपसे 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए, 22 में से आपके कितने सही हुए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके क्वेश्चंस, कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं रिवाइज हुआ चैप्टर 2 का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपको कुछ कंटेंट सीखने को ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट बनाने का। आज की डिस्कशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल पे, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ध्यान रखिए अपना और रेगुलरली कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।